हमने लास्ट कुछ वीडियोस में मोटो जी 85 5G स्मार्टफोन के कंपैरिजन किए, जिसमें हमने पहला कंपैरिजन ये किया था मोटो एज 50 फ्यूजन के साथ, क्योंकि काफी सारे दोस्तों की डिमांड आ रही थी कि मोटो एज 50 फ्यूजन में से और इसमें से अगर हमें एक स्मार्टफोन खरीदना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए। तो वहां पर मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की, अगर आपने वो देख लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप अभी हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। और इस वीडियो में कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ मोटो एज 14U 5G स्मार्टफोन वर्सेज मोटो जी 85 5G स्मार्टफोन। देखेंगे दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि मोटो जी 85 5G स्मार्टफोन वो भी 20,000 के राउंड हमें देख मिलेगा और जो यहाँ पर होने वाला है मोटो एज 14U ये भी ऑलरेडी हमें 20,000 के राउंड ही देखने जाता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन के स्पेक्स से शुरुआत करें, शुरुआत करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले डिजाइन से। मोटो एज 14U हमें प्रोवाइड करवाता है बैक में वीगन लेदर, जहां पर ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को जाता है। स्मार्टफोन का वेट है काफी हद तक हमें कम देखने को मिल जाता है। यहां पर अगर मैं फ्रंट साइड में आता हूं तो मिड पंच होल डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले पीओएलईडी डिस्प्ले होने वाली है और यहां पर जो रिफ्रेश रेट होगा वो हमें 144 हर्ट्ज का देखने को मिल जाएगा। ब्राइटनेस होगी वो हमें 1300 निट्स तक की देखने को मिलेगी और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की डिस्प्ले की तो काफी हद तक कम बेजल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ व्यूज एंगल की तो वो भी, मैं बात करता हूँ ओवरऑल हैंडसोन फील की तो ये काफी हद तक काफी प्रीमियम स्मार्टफोन होने वाला है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूँ मोटो एज 14U की तो भाई प्राइसिंग के हिसाब से काफी अच्छा लुक एंड डिजाइन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ मोटो जी 85 5G स्मार्टफोन की और यहाँ पर भी मैं बात में बैक में बात करता हूँ तो काफी अच्छा डिजाइन है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सेम एडिटेड डिजाइन वैसे ही देखने जाता है जैसे कि मैं मोटो 50 फ्यूजन में देख रहा था, बस यहाँ पर जो है थोड़ा कलर्स अलग आपको प्रोवाइड करवाए गए। एंड फ्रंट साइड में आता हूँ तो यहाँ पर भी आपको मिड पंच होल डिस्प्ले देखने जाती है, पीओएलईडी डिस्प्ले होने वाली है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रिफ्रेश रेट की तो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देखने जाता है। अगर मैं स्मार्टफोन की बात करता हूँ तो ये स्मार्टफोन में भाई डिस्प्ले काफी अच्छी प्रोवाइड करवाता है और यहाँ पर भी जो डिस्प्ले कलर है ना वो में काफी बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्लेस को देखता हूँ, देखो डिजाइन वाइज अगर मैं बात करूँ तो आप बता देना आपको कौन से स्मार्टफोन का डिजाइन पसंद आया, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, अगर हमें इन दोनों स्मार्टफोन डिस्प्लेस में से एक स्मार्टफोन चूज करना हो तो कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन की डिस्प्ले बेहतरीन होगी। देखो कलर्स वाइज अगर मैं बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन सेम कलर्स में देखने में जाते हैं, मतलब डिस्प्ले कलर्स होंगे लगभग सेम ही देखने मिलेंगे, लेकिन एक चीज में आपको डिफरेंस देखने में जाएगा वो होगा डिस्प्ले, इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट और इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की ब्राइटनेस में, जिसमें मोटो एज 14U 5G स्मार्टफोन थोड़ा बेटर परफॉर्म हमें करता हुआ देखने को मिल जाएगा और वहां पर आपको थोड़ी बेटर डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो नो डाउट यार डिस्प्ले के मामले में मोटो एज 14U विन हो जाता है। सेकंडली अगर मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन के कैमराज की, कैमरा की बात करता हूँ तो मोटो एज 14U हमें प्रोवाइड करवाता है ड्यूल रियर कैमरा, जहां पर प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी 13 मेगापिक्सल का, सेल्फी की अगर मैं बात करता हूँ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि दोनों ही तरफ हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जबकि बात करता हूँ दूसरी तरफ मोटो जी 85 5G स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन भी 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ देखने को मिलता है, जहां पर प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल और वही अगर मैं सेल्फी की बात करता हूँ तो यहाँ पर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। मैं आपको दोनों स्मार्टफोन में कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी को जांचने में। और यहाँ पर अगर मैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी की बात करता हूँ ना तो नो डाउट यार यहाँ पर मोटो एज 14U कुछ हद तक हमें बेटर कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि 20,000 में मोटो एज 14U हमें बेहतरीन कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है या इस प्राइस में, लेकिन उन सब बातों से हटकर मैं सिर्फ इसको कंपेयर करता हूँ G85 से तो नो डाउट मोटो एज 14U ना कुछ हद तक हमें बेहतरीन कैमरा प्रोवाइड करवा देता है। तो अगर आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन परचेज करना था सिर्फ कैमरा को लेकर तो नो डाउट मोटो एज 14U आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। और सेम एज इट इज हमें देखने को मिल जाता है परफॉर्मेंस के मामले में, जहां पर मोटो एज 14U हमें प्रोवाइड करवाता है स्नैपडील Dimensity 7030 चिपसेट Android 14 के साथ जो स्मार्टफोन आता है। जबकि बात करता हूँ 85 5G स्मार्टफोन की तो ये देखने में जाता है न्यू चिपसेट Snapdragon 6S Gen 3 के साथ। मैं दोनों के ही आपको बेंचमार्क स्कोर आपको दिखा देता हूँ, मल्टी कोर और सिंगल कोर के रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के ही स्कोर में आप, हालांकि आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि जमीन आसमान का फर्क देखने मिलता है, लेकिन कुछ हद तक आपको जरूर यहाँ पर फर्क देखने जाता है और इतना डिफरेंस काफी है इन दोनों स्मार्टफोन की स्पीड और परफॉर्मेंस को जताने में। तो नो डाउट आपको हम कह सकते हैं ज्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में, लेकिन कुछ हद तक अगर मैं बात करता हूँ तो नो डाउट यार मोटो एज 14U ना आपको थोड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रोवाइड करवा देगा। बात करते हैं लास्ट में फाइनली दोनों स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप की, और बैटरी बैकअप की बात को तो दोनों स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आते हैं,
जहां पर मोटो एज 14 जो है वो हमें 68 वोट के फास्ट स्पोर्ट के साथ मिल जाता है, जबकि बात करता हूं मोटो G85 की, ये स्मार्टफोन में 33 वोट का ही फास्ट चार्जर प्रोवाइड करवाता है। तो दोनों में ही एक चीज हम मान सकते हैं, लगभग आपको बैटरी बैकअप एक जैसा देख मिलेगा, लेकिन अगर जो चार्जिंग स्पीड की बात करता हूं वो आपको मोटो एज 14 यू में ही अच्छी देख मिलेगी। तो ये थी दोस्तों सारी चीजें दोनों स्मार्टफोन के बारे में जो कि मैंने आपको बताई। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी बात करते हैं कि अगर हमारा बजट है 20,000 रुपए तो हमें इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। देखो वैसे अगर मैं दोनों स्मार्टफोन की बात हूँ, अच्छे स्मार्टफोन है, दोनों स्मार्टफोन 20,000 के अंदर आते हैं और दोनों ही स्मार्टफोन एक ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ से आते हैं, लेकिन जब भी बात आती है वैल्यू फॉर मनी की तो नो डाउट इन दोनों स्मार्टफोन में से मोटो A14 न्यू स्मार्टफोन थोड़ा बेटर है, थोड़ा बेटर वैल्यू फॉर मनी हमें देखने जाता है। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन जो कि मैंने आपको दिखाया, कैसे लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं।